हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन नाइट गार्ड्स के बारे में, डेंटल नाइट गार्ड्स के बारे में। देखिए, एक प्रॉब्लम होता है ब्रूक्सिज्म। रात के समय दांतों को क्लेंच करने की आदत होती है और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी पॉपुलेशन में है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो रात को क्लेंच करते हैं, दांतों को आपस में मिलाते हैं और ये उन्हें पता भी नहीं होता है। और इसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है, प्रेशर बढ़ते हैं दांतों में, गम्स में, मसूड़ों में प्रेशर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रेशर बढ़ने से एट्रीजन हो सकता है। दांत और दांत जब टकराते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है तो दांत घिसने लग जाते हैं। जो दांतों का साइज छोटा होता है वो आपने देखा होगा, एट्रीजन हो सकता है। इसके बाद ब्रोकन टूथ, दांत टूटने का भी प्रॉब्लम होता है, दांतों में क्रैक लाइंस आ जाती हैं, तो ये हो सकता है क्लेंचिंग के कारण, ब्रूक्सिज्म के कारण। इसके बाद सेंसिटिविटी, जब दांत एट्रीटेड हो जाते हैं या घिसने लगते हैं तो सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। ये भी नाइट में जो क्लेंच करते हैं उनमें ज़्यादा होती है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, हम नोटिस नहीं कर पाते, पता ही नहीं होता कि ये किस कारण होते हैं। इसके बाद मसल का इशूज़ होता है, जो हमारी मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, जो चबाने के लिए हम मसल्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें प्रेशर होता है तो उनमें स्पाज्म होता है, जकड़ जाती है जो बोलते हैं, वो हो सकता है, पेन होता है, इनका अलग अलग इशू हो सकता है मसल्स का। इसके बाद TMJ का प्रॉब्लम होता है, जो यहाँ पर टेम्परो मैंडिबुलर जॉइंट जिसको बोलते हैं, जिससे हमारा लोअर जॉ मैंडिबल मूव करता है, उसमें प्रॉब्लम होता है प्रेशर पड़ने के कारण, जो नाइट में क्लेंच करते हैं, ब्रूक्सिज्म हम इसे बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमें पता ही नहीं है कि सिर्फ क्लेंचिंग से होती है। इसके लिए यूज़ होता है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, नाइट गार्ड्स या डेंटल नाइट गार्ड्स या फिर माउथ गार्ड्स भी इनको बोलते हैं। ये करते क्या हैं, जो हमारे दांतों में प्रेशर लग रहे हैं, क्लेंचिंग जो करते हैं उसको रोकते हैं, उसको कम करते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के आते हैं, प्री फैब्रिकेटेड होते हैं, मतलब पहले से ही बने हुए भी आते हैं, जिनको पेशेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है। और एक होते हैं जो पेशेंट का पहले मेजरमेंट होता है और उसके बाद बनाए जाते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, तो चाहे तो सॉफ्ट वाले ले सकते हैं। देखिए, सॉफ्ट वाले भी होते हैं, हार्ड वाले भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी हम इसमें सिर्फ समझ रहे हैं कि नाइट गार्ड्स होते क्या, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके टूथ को, आपके गम्स को, आपके जो फोर्सेस हैं उनको मैनेज करते हैं। तो पेशेंट के अकॉर्डिंग भी इन्हें बनाया जाता है, मेज़रमेंट लेकर, जिनको जैसी ज़रूरत होती है। अलग अलग डिज़ाइन भी इसका होता है, किसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये है नाइट गार्ड्स, जो आपको आपके जो प्रेशर है उनको मेंटेन करते हैं और इन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। देखिए, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लियर अलाइनर्स हैं और ये नाइट गार्ड के जैसे भी काम करते हैं, ऐसे नाइट गार्ड होते हैं। ये प्रीफैब्रिकेटेड नहीं है, पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे मेरा है तो इसको आप पहन सकते हैं, तो जो डायरेक्ट फोर्सेस हैं वो नहीं लगेंगे और जो प्रॉब्लम से उससे हम बच सकते हैं। ये क्लियर अलाइनर्स हैं, एज अ नाइट गार्ड भी वर्क करते हैं, ऐसा आप पहन सकते हैं। तो ये था नाइट गार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और अपने लिए ये बनवा सकते हैं नाइट गार्ड्स। और भी नाइट गार्ड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, आगे हम इसमें बात करेंगे, अलग अलग टाइप के जो नाइट गार्ड्स होते हैं। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो आपको शेयर करना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।